आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूँ अनिस फातिमा। पेश है शामनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद कम होने के बावजूद आलमी वबा से पैदा चैलेंज अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एहतियाती इकदाम पर अमल करना एक बड़ा हथियार है। वज़ीर आज़म ने आज कोविड-19 सूरत हाल के बारे में 10 रियासतों के ज़िले अहदेदारों के साथ गुफ्तगू की। इनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पौडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। मोदी ने कहा कि साइंसदान वायरस की बदलती हुई शक्ल से मौसर तौर पर निमटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार टीकों की सप्लाई बरकरार रखने के लिए लगातार काम कर रही है। मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में टीकाकारी मराकज में टीकों की सप्लाई को मुस्तकम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बालिग अफराद के साथ साथ बच्चों के लिए भी एक चैलेंज है। उन्होंने ज़िले अफसरों से कहा कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के खातिर सख्त इकदाम करें। इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। अभी दो दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान अलग अलग जिलों। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने घर में कोरोना टेस्टों की मंजूरी के लिए एक अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में रहनुमा उसूल भी जारी किया गया है। ICMR ने खासतौर पर घरेलू कोरोना टेस्टों के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे के जरिए तैयार करदा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट को सेल्फ को मंजूरी दे दी है। खासतौर पर वो लोग जिन्होंने RT-PCR टेस्टों में मुस्बित पाए गए हैं, उनके राबते में आने वाले अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मनफी आने के बाद इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अलामत के हामिल अफराद को ही RT-PCR टेस्ट देना चाहिए। इस तरह की अलामत पर कोविड होने का शुबा करते हुए उनको ICMR महकमे सेहत के होम आइसोलेशन के रहनुमा खतूत पर अमल करना होगा। माई लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर हसमुख ने बताया कि पुणे में मुकीम माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड के जरिए तैयार करदा किट आइंदा हफ्ते में मार्केट में आएगी। इस किट की कीमत 250 रुपये रखने का फैसला किया गया है। इस किट प्रोडक्ट को तैयार करने में 5 माह लगे। इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट भी टेस्ट के एक हिस्से के तौर पर 15 मिनट में हासिल होगी। इसके बाद किट में डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल और थ्रू कवर भी दस्तियाब कर दिया गया है। एक्सट्रैक्शन ट्यूब, पिंच द ट्यूब एट द बॉटम एंड स्वर्ल द नेजल स्वॉब वेल। मेक श्योर द स्वॉब इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। फाइंड द ब्रेक पॉइंट एंड ब्रेक द स्वॉब। कवर द ट्यूब विद द नोजल कैप एंड टाइटन इट। टेक द टेस्ट कार्ड एंड एड 2 full drops इनटू द वेल बाय प्रेसिंग द ट्यूब। वेट फॉर 15 मिनट्स फॉर द रिजल्ट्स टू अपीयर। Any results appearing after 20 minutes are considered invalid. At 15 minutes, the MyLab CoviSelf app will raise an alarm. The software has an intelligently designed AI which gives accurate results. You can now download your COVID-19 report from the link. For negative results, if there's only a quality control line C and no test line T appears,
It indicates that coronavirus antigen has not been detected and the result is negative. For positive results, if both the quality control line C and test line T appear, coronavirus antigen has been detected and the result is positive. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मेदक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करते हुए कोरोना के मरीजों की इयादत करते हुए उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और इस बात का तयकुन दिया कि हुकूमत की जानिब से उनकी मुकम्मल सेहतियाबी तक इलाज करने के इकदाम किए जाएंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चंद्रशेखर और दीगर भी मौजूद थे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्धिपेट के अस्पताल के ICU वार्ड्स का दौरा करने के बाद बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला फीवर सर्वे मुल्क में मुनफरिद साबित हो रहा है। रियासी पंचायत और देही तरक्की के वजीर ई दयाकर राव ने कहा है कि CM KCR महकमे तिब को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में इत्मीनान बख्श तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुश्तरका जिले वरंगल को श्रीनिधि के तहत 50 लाख रुपये मालिक के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को खरीद कर वजीर ई दयाकर राव ने मुकामी RNB गेस्ट हाउस में कलेक्टर्स के हवाले किए। इस मौके पर वजीर दयाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए हर तरह की सहूलियात मुहैया की गई हैं। उन्होंने कहा वजीर आला KCR की दिलचस्पी से MGM अस्पताल के अमले को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा PPE किट पहने बगैर CM KCR ने बहादुरी से गांधी में कोविड वार्डों का दौरा किया और मरीजों की हौसला अफजाई की। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुजरात के अलावा दूसरी रियासतें नजर ही नहीं आती। उन्होंने कहा मरकज के तआवुन के बगैर हमने आलमी सतह के टेंडरों को वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए दावत दी है। वजीर कबायली बहबूब सत्यवती राठौर ने कहा है कि अगर कोई कोविड मुस्बित होने पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुनासिब इलाज किया गया तो कोविड से सेहतियाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 104 साल ज़ईफ खातून भी कोविड से सेहतियाब हुई हैं। जिले महबूबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का वजीर सत्यवती राठौर ने दौरा करते हुए लॉकडाउन के निफास का जायजा लिया। इस मौके पर दीगर अहदेदार और कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिले महबूबाबाद में SP की निगरानी में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा रहा है। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले कामारेड्डी गवर्नमेंट एरिया अस्पताल का मुआयना किया और कोविड वार्डों में जाकर मुतासर अफराद से बातचीत करते हुए उन्हें दी जाने वाली तिबी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इसके अलावा वजीर ने कोविड के ICU में जेर इलाज अफराद की भी इयादत की। वजीर ने इस मौके पर कोरोना मरीजों से कहा कि मैं आपका वजीर प्रशांत रेड्डी हूँ, चीफ मिनिस्टर KCR ने मुझे आपके खैरियत जानने के लिए यहाँ भेजा है, आप जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगे और घर चले जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कोविड वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल डॉक्टरों और नर्सों से कहा कि वो वक्तन फोक्तन मरीजों के पास जाकर उन्हें यकीन दहानी कराएं कि आप जल्द सेहतियाब होंगे क्योंकि आप मरीजों की हालत का सही अंदाज़ा जानते हैं। अस्पताल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी गई थी कि वो मरीजों की सेहत की रिपोर्ट और हर रोज जिले कलेक्टर को पेश करें। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद पुलिस के इश्तराक से हुसैनी आलम, आसिफ नगर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए अलहदा कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को ज्यादा कीमत में फरोख्त कर रहे थे। उनके कब्जे से मजबूती तौर पर 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5 सेलफोन्स को जब्त कर लिया गया है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना के इन तबाहकुन सूरत हाल में डॉक्टरों की खदमात अनमोल है। उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले की खदमात को सराहा जिन्होंने कोविड में मुबतला कई अफराद की मदद के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। उन्होंने जिले नागर कर्नूल के कलवा कुर्ती के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज कोविड मुतासरीन की इयादत की। इस मौके पर वजीर ने डॉक्टरों की खदमात को सराहते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें सलाम पेश किया और कोरोना मुतासरीन की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर इलाज मुहैया किया जा रहा है, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज़।